आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी के किनारे स्थित निर्माणाधीन मकान में शनिवार को मिली युवक की लाश सिर कूच कर की गई थी हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। एसपी सिटी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक एवं नोडल ऑफिसर की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभागीय समीक्षा बैठक। कोरोना काल में परिवहन विभाग के हुए नुकसान और त्योहारी सीजन की तैयारियों पर हुई चर्चा। कहा रेलवे बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल से किया जाएगा विकसित, बनेगा हाईटेक। चार शातिर वाहन चोरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीन चोरी की मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, मिस कारतूस, 635 गोली अल्प्राजोलम, लूट के 30,000 रुपए सहित जरूरी कागजात किए बरामद, भेजा जेल। 48 घंटे से हो रही है बारिश, गर्मी से राहत मिलने के साथ बनी आफत की बारिश। महानगर के विभिन्न हिस्सों में हुआ जलभराव। राप्ती कॉम्प्लेक्स परिसर में जलभराव से दुकानदारों को हुआ भारी नुकसान। नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं उठाया फोन। दहेज हत्या के आरोप में वांछित 3 अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में रविवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,339। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 40 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। एक समाज सेवी संस्था के द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। एसपी सिटी ने रक्तदान करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा रक्तदान है महादान। हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई विश्वकर्मा समाज के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रांतीय बैठक। 17 सितंबर की विश्वकर्मा जयंती को भव्य रूप से मनाने पर हुई चर्चा। और कोरोना गाइडलाइंस के तहत लागू साप्ताहिक बंदी के दौरान रविवार को भी बंद रही महानगर की दुकानें, लेकिन सड़कों पर वाहनों का आवागमन रहा जारी। एसपी सिटी ने कहा कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी विधिक कार्यवाही।